आप आए तो मैं बता दूं कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब के शागिर्द थे, उनको गुरु मानते थे अपना, और मैंने जो भी गाना सीखा छोटा मोटा वो उन्हीं से सीखा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी आवाज़ आज तक पर्दे पे नहीं आ पाई और किसी ने उनको उस तरीके से सुना नहीं, लेकिन मैंने जो सुना उनको वो किसी ने नहीं सुना, और उनकी तरबियत ही मुझे मिली है जो भी संगीत से मिली है। और रफ़ी साहब को उस्ताद मानते हैं अपना, और क्या कहूँ, उनका एक्सीडेंट हो गया था 90s में, इस वजह से वो अपना करियर आगे नहीं ले पाए जा पाए, और उस समय बहुत टफ कॉम्पिटिशन था। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप उनके लिए दुआ करें, आज हमारे बीच में नहीं रहे मेरे पापा, और बस क्या कहूँ, काफ़ी साल से बीमार थे, और उस बीच में आप उनका देखभाल और अपने करियर को किस प्रकार से मैनेज कर रहे थे कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली उनके लाइफ में 4 एक्सीडेंट हुए, मेजर एक्सीडेंट्स, जिसमें एक बार उनकी थाई की हड्डी टूट गई थी, सेकेंड टाइम रॉड उनका पूरा बॉडी में घुस गया था, थर्ड टाइम कोरोना के टाइम पे उनको बहुत गंदा इन्फेक्शन हो गया था, एंड अभी फोर्थ टाइम लास्ट ईयर वो बाथरूम में फिसल के गिर गए, और तब से अब तक वो मतलब खुद से खा नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, और डॉक्टरों के मुताबिक 2-3 महीने तक उनकी एज थी, लेकिन मेरी मम्मी और मम्मी की दुआ ने, खासकर मम्मी की सेवा ने उनको 1.25 साल ज़िंदा रख दिया, और आज हमारी कोशिश नाकाम हो गई। बस